उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हिंदी को लोकप्रिय बनाने तथा नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन को निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के जनपद इकाई के अध्यक्ष इरकान अली के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति मिली जुली है, इसमें सारे धर्मों, जातियों, भाषाओं और विचारों को एक साथ फलने फूलने और विकसित होने का अवसर प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भी इसी बुनियाद पर आधारित है और फाउंडेशन में भी सभी जाति, धर्म और समाजों के व्यक्तियों का स्वागत है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुहाजिद चौधरी, जिला महासचिव ब्रह्मदत्त त्यागी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। गंभीर सिंह जी की ओर से, अंजलि सिंह जी की ओर से, अपनी ओर से, भाई वीर सिंह चौहान और इरकान अली की ओर से सभी मीडिया के साथियों का, बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बधाई की बात है कि भारत रत्न अटल श्री 2019 पुरस्कार मिला। लखनऊ में अभी 7 तारीख को यूपी रत्न 2019 पुरस्कार मिला और 13 जनवरी को मलेशिया के कुआलालंपुर में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड ये भी आपको मिलने जा रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं और ये अवार्ड किसी एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी का नहीं, ये सारे कार्यकर्ताओं, सारे पदाधिकारियों का समन्वित, समर्पित और संगठित प्रयास है। और मैं इसको अपने पत्रकार बंधुओं को समर्पित करना चाहता हूं कि उनके सहयोग के बिना हमारा यह लड़ाई अधूरी है, हमारा यह मिशन अधूरा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे जितने साथी हैं वो राजनीति करना चाहते हो राजनीति करें, लेकिन ये हमारा समाज सेवा का और ऐसे गरीब बच्चों का, बेसहारा, मजबूर और ऐसे जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो समाज से बहिष्कृत समाज के लोग हैं, उन सब लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, उन सब लोगों को समाज की और देश की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से इस फाउंडेशन का गठन हुआ। और निरंतर आपकी फाउंडेशन सहयोग करते हुए, समर्थन करते हुए उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन घरों में जहां बरसों से अंधेरा है, शिक्षा का अंधेरा है, उन घरों को शिक्षा के उजाले से प्रकाशित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमारा जो मुख्य टारगेट शुरू हुआ है वो है गांव-गांव परिवर्तन पाठशालाओं की स्थापना। परिवर्तन पाठशाला क्या है कि जिन गांवों में स्कूल नहीं है या जो गांव, जैसे गंगा जी के किनारे बहुत सारे गांव हमारे बसे हुए हैं, वहां स्कूल नहीं है, पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रेरणा स्रोत ने यह तय किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी कि उन तमाम गांवों में चिन्हित करके परिवर्तन पाठशालाएं शुरू कराई जाए, शिक्षा की चौपाल लगाई जाए और उन सब से इस देश के उन बच्चों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए जो अभी तक शिक्षा नहीं ले पाए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ शिक्षा को प्रचारित प्रसारित करना ही नहीं है, जो बच्चे शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उन बच्चों को भी इसके माध्यम से जोड़ना और उनकी मदद करना है। जो गांव में बच्चे रहते हो, पढ़ते हो और उनके पास पढ़ाई के साधन नहीं है, वो बच्चे हमारे, हमारी सहायता लेकर, हमारे संसाधन की सहायता लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने गांव के 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे अपने मकान पर, अपने किसी पड़ोसी के मकान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर उन बच्चों को पढ़ाकर ये कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा परिवर्तन पाठशाला का एक वो है। इसके अलावा हमारा एक और टारगेट है जो हम इस 2020 में पूरा करने की कोशिश करेंगे, गुरुकुल योजना। जो हमारे देश की पद्धति रही है शिक्षा की, गुरुकुल पद्धति, हम बच्चों को पढ़ाते हैं संस्कार के साथ, जो शिक्षा दें, संस्कारयुक्त बनाएं, शिक्षित करें, लेकिन ऐसी जगह जहां उनके रहने का माहौल भी अच्छा हो, जहां पर्यावरण संरक्षित हो, जहां अच्छा रहने वाले, अच्छे पढ़ाने वाले हो, जहां उनको पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम, शिक्षा, योग और इन सारी चीजों की भी शिक्षा हम दे सके। और सब सारे समाजों के, चाहे वो छोटा समाज का हो, बड़े समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, साथ में रह सके, उन सब को समन्वित रूप से आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। मैं आप तमाम लोगों का, तो जो 26 दिसंबर को दिल्ली में अटल श्री सम्मान और यूपी रत्न में जो सम्मान मिला है उसकी बधाई दी गई है और सभी
जो और हमारे जो जिलाध्यक्ष श्री एकता ने भी उनको और जो हमारे नए सदस्य जोड़े गए उनको सम्मानित करने का काम किया गया। और मैं अपनी तरफ से और जो हमारे मीडियाकर्मी हैं हमारे उन्हें हमने सम्मानित करने का काम किया गया। और मैं अपने फाउंडेशन की तरफ से सभी मीडियाकर्मियों को और अपने जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को सभी को मैं नववर्ष की बधाई देता हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।